हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जिनको फिशर था और ये लगभग 3 साल से बिना किसी डॉक्टर्स को दिखाए अपने मन से औषधि लेते रहे और अंत में जब ये हमारे पास आए, हमने जब इनका पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो देखा इनको मल द्वार में एक कट लगा हुआ था और वो जो कट था वो क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट हो गया था। क्योंकि जो क्रोनिक फिशर होते हैं उसमें पीछे एक स्किन टैग बन जाती है, यानी एनल वर्स के बाहर की तरफ एक स्किन टैग बन जाती है, तो इनको लगता था कि वो पाइल्स हैं। और केवल 20 दिन में ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए क्षार सूत्र विधि द्वारा। हम आइए इन्हीं से सुनते हैं कि क्या इनके साथ दिक्कत हुई, क्यों ये अपने आप को ये जान रहे थे कि मुझे पाइल्स हो गई है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और सत्य बता दूँ, एक सत्य चीज़ कि हमारे भारतवर्ष में 99% लोगों को पाइल्स नहीं होती है, या तो फिशर है या कोई और समस्या है। यानी मलद्वार में कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारे यहाँ क्या है, सबको ये लगता है कि हमें पाइल्स हो गई, यानी बवासीर हो गई है, और अपने मन से या बिना किसी डॉक्टर को दिखाए दवा खाते रहते हैं। क्योंकि पाइल्स में, वो भी इंटरनल पाइल्स में, केवल ब्लीडिंग होती है और हैवी ब्लीडिंग होती है, पेन ऑन नहीं होता है, ना जलन होती है, ना पेन होता है, ना और कोई दिक्कत होती है। तो आप अपनी चीज़ें प्लीज़ शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हो पाएँ कि अगर कोई मलद्वार में समस्या है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाया जाए। मुझे 3 साल से लगभग पाइल्स था, तो पहले मुझे पता ही नहीं था कि फिशर होता है कुछ, तो मुझे लगता था कि पाइल्स है। तो मैं जब भी लैट्रिन जाता था, लैट्रिन करता था, अगर टाइट हो गई लैट्रिन तो मुझे लैट्रिन के रास्ते में बहुत ही तेज दर्द होता था, और जब भी लैट्रिन करके उठता था तो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, या फिर कभी कभी जब ज़्यादा हार्ड स्टूल हो जाता था तो पूरा दिन कभी कभी दर्द रहता था, और कभी ब्लड नहीं आता था, और अगर ब्लड भी आ गया तो किसी दिन हल्का फुल्का ब्लड आ जाता लैट्रिन के रास्ते में, और ब्लड नहीं आता था। और या फिर मैंने इधर उधर से इलाज कराया, और जो कॉन्स्टिपेशन वाली दवा होती है मेडिकल स्टोर से दे ली, और थोड़ी दिन ठीक था, फिर उसके बाद फिर पाइल्स हो गया। जो सर ने हमें बताया कि ये था फिशर है ये, तो सर ने मेरा एग्जाम किया तो वहाँ पता चला कि मुझे फिशर है। तो सर से मैंने क्षार सूत्र द्वारा इलाज किया और मुझे 21 दिन में लगभग लगभग ये पूरा ठीक हो गया। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया है इस बात के लिए। जैसा कि इन्होंने पूरा बताया कि हमारे समाज में किसी को भी कोई मलद्वार में समस्या होती है तो वो पाइल्स ही समझता है। पाइल्स में कभी भी पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें केवल एक सूजन सा, एक गांठ जैसी महसूस होती है, उसमें दर्द जलन ब्लड तो आता नहीं है। अगर ब्लड आता भी है तो इंटरनल पाइल्स से आता है, वो भी बहुत हैवी आता है। तो हेजिटेशन की वजह से या किसी भी कारण से आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट, जो सबसे बेस्ट डॉक्टर हों आपको लगता है, आप चाहे फैमिली डॉक्टर हों या कोई भी सर्जन डॉक्टर हों, एक बार जाके उनको दिखाइए, और दिखाने के बाद ये कंफर्म डायग्नोसिस बनाइए कि ये जो मुझे मलद्वार में समस्या हो रही है, ये पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, या कुछ और है। थैंक यू।